हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे आलू बड़ा। इसके लिए हमें चाहिए उबले आलू, ये बेसन, ये प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, ये मैंने पहले ही से कट करके रखा है, और ये नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हींग, और ये खटाई। सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये आलू मैश करेंगे। ये देखिए, ये मैंने आलू मैश कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। आप चाहें इसे फ्राई करके ही बना सकते हैं, लेकिन मैं सादा ही बना रही हूँ। ये हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें, जैसा आप खाते हैं, तीखा, कम तीखा, ज़्यादा तीखा। ये हरी धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपने हिसाब से डालें, टेस्ट जैसा आप खाते हैं, कम तीखा। ये नमक स्वादानुसार, क्योंकि बेसन में भी नमक डालेंगे तो हम इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे। ये गरम मसाला, और ये खटाई। सारे मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको मिला लेंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए आलू बना के तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बेसन का घोल। इसके लिए हमें चाहिए इसमें बेसन, इसमें डालेंगे हींग, इसमें डाल दिया हींग, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने आलू में भी डाला है तो इसमें थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची। फिर इसमें डालेंगे हम पानी, घोलते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, गाढ़ा घोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह की, इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए घोल की। फ्राई पैन रख दिया है, अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहो इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए हम सरसों का तेल डालेंगे। अब इसको गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम आलू के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, आलू के मसाला के, ऐसे इस टाइप के। ये आप अपनी पसंद बना सकते हैं, छोटे बड़े, मैं इतने ही छोटे बना रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको आगे भी वीडियो दे पाएँ। धनिया का तेल हो गया है गरम, इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए तेल हो गया है गरम, गैस में चेक कर देंगे कम। और हम इसको डालेंगे बेसन में, डिप करेंगे, और फिर इसको इसमें डाल देंगे। ऐसे ही इसको भी डिप करेंगे, इसको भी इसमें डाल देंगे, इसको भी डिप करेंगे, इसमें डाल देंगे। उसको सिकने देंगे, तक ये सिक रहा है, अब तक हम तैयार कर लेंगे टमाटर प्याज की चटनी। इसमें मैंने डाला है टमाटर 2, आधा प्याज,
लहसुन, दो हरी मिर्ची, नमक, और इसको अब हम मिक्सर में चला लेंगे। अब हम इनको पलट देंगे। इसको हम अच्छे से लाल होने तक सेकेंगे। ये सिक गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में।